जलगांव महानगर पालिका का 5 वर्ष का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। नगर सेवक भी 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे में विकास कार्य को ब्रेक लग गया है। कहीं पर अनुमति नहीं तो कहीं पर निधि नहीं, इस वजह से काम रुके हुए हैं। लेकिन हमने देखा मेहरुन मलिक नगर वार्ड नंबर विकास कार्य जारी है। इस संदर्भ में नगर सेवक और नागरिकों से हमने बातचीत की। इस विषय पे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रशांत नाइक, इनका काम देखकर बड़ी खुशी हुई। वार्ड नंबर 15 में आज बताने का तात्पर्य ये है कि जो कार्यकाल महापालिका का समाप्त हो गया, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी आज वार्ड में ये काम को अंजाम दे रहे हैं, ये इनके लिए मुबारक और उपलब्धि का विषय है। इसके बाद इस बार मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 18 में हमारे 4-4 नगर सेवक होने के बावजूद उन्होंने इस तरीके की कोई कार्य को पूर्ण करने की कोशिश नहीं की, और आज 18 नंबर में बहुत ही समस्या का बहुत विषय पड़ा हुआ है। और यहाँ देखने को मिल रहा है कि आज भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद काम हो रहा है। तो मैं प्रशांत नाइक के लिए ये बात कहूँगा कि कौल व किरदार को एक रंग बना देते हैं, कौल व किरदार को एक रंग बना देते हैं, हम जो कहते हैं वो इरशाद, कौल व किरदार को एक रंग बना देते हैं, कौल व किरदार को एक रंग बना देते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। इसके पीछे आपको लेकर चलूँ, 1995 से लेकर हमारी सीट यहाँ से निवड़ कर आई थी। उससे पहले मजीद सेठ ने एरिया में काम किए जो तारीफ़ काबिल थे, सड़क वगैरह जो समस्या वार्ड की निकली। उसके बाद हमारी सास आई जो उपनगर अध्यक्ष बनी और उन्होंने वार्ड में ऐतिहासिक काम किए, शादी हॉल बनाए, दवा खाना बनाए, स्कूल के लिए 3656 का ओपनिंग उनके माध्यम से हुआ, आज मदरसे का काम उनके माध्यम से हुआ। ये स्टेबल काम है जो समाज को याद रहे। नगर सेवक जब चुनकर आता तो समाज को हम क्या दे रहे हैं ये जानने की कोशिश है, और आने वाले वक्त में हम भी ये कार्य के लिए अग्रसर है, और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वार्ड के लिए हमें क्या करना है। और इसके लिए काबिलियत और सीनियरिटी को भी महत्व देना चाहिए लोगों ने। काबिलियत सीनियरिटी के काम को काम काबिलियत अगर आदमी काम करेगा, काम करने वाला जिसके पास नॉलेज है महापालिका में, हाउस में काम करने की जिसमें एबिलिटी है, जो हाउस में बोल सकता, अधिनियमों को जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है कि किस अधिनियम, कौन सी निधि, कौन से ऑफिसर, किधर से कौन से काम लाए जा सकते हैं, वही आदमी कार्य कर सकता है। जज्बात में हम लोगों को निवड़ कर देते हैं और उनको महापालिका की ABCD नहीं मालूम रहती कि वहाँ क्या होता, कौन सा ऑफिसर से किस तरह से डायलॉग करना पड़ते, कैसा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, ये चीज़ें उनको मालूम नहीं रहती। और जाते और जज्बात में रिकम में घूमते, उनको उंगलियाँ पे नचाते लोग, ऐसा कोई विषय। इसलिए काबिलियत तजुर्बा ये महत्व का रहता है। किसी अनुभवी पॉलिटिक्स के ज्ञान की एक विषय है, उन्होंने कहा था कि अनुभवी मेरा गुरु है, अनुभवी मेरा गुरु है। अनुभव होना जरूरी है जब ही हम वार्ड के काम कर सकते हैं, उसी के तहत काम शुरू है। हाँ, बस ये अनुभव की निस्बत पे ही काम हो रहा है। प्रशांत नाइक को मालूम है कि किस अधिकारी से कहाँ पर कौन से काम निकालना, कौन से टेबल से किस विषय पे कहाँ जाना, ये सब मालूम है। अब हमारे 4 है, उनको किसी लेवल से मालूम ही नहीं है कि कैसा काम करना। अभी आप बोल रहे थे कि भाई सलाहियत और काबिलियत से और काम करने से लोगों की मतलब जो चुनाव आएंगे, तो कैसे लोगों को चुन के देना चाहेंगे आप? जो काम करेगा वही चुन के आएगा, निगम में कोई चुन के देगा फायदा ही नहीं है ना। अभी तक आपके वार्ड में जो काम हुए उससे आप मुतमईन हैं क्या? जी बेशक मुतमईन हूँ। कौन नगर सेवक? नगर सेवक तो अच्छा है। अच्छा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 15। कौन है नगर सेवक? प्रशांत सुरेश नाइक। प्रशांत सुरेश नाइक, तीसरी पीढ़ी आ गई उनकी इसमें। जावेद पठान हमारे साथ में है, एक उत्साही और जज्बाती सामाजिक कार्यकर्ता है। आने वाले चुनाव में किस तरह के नगर सेवक को आप चुन के देना चाहेंगे, क्या देखेंगे उसके अंदर, कौन सी खसूसियात देखेंगे, क्वालिटीज देखेंगे? तो वार्ड में काम करने की जो उसमें सलाहियत है वैसे ही नगर सेवक को ला के दे देना है। जो वार्ड के लोगों का दर्द समझे उसको ही चुना के देना है, चाहे वो अपना हो या गैर मुस्लिम हो। हमको अपने वार्ड को स्वस्थ बनाने का है तो अच्छे नगर सेवक चाहिए हमें, और काम करने वाले नगर सेवक चाहिए। मतलब जात धर्म ये कोई ज़्यादा अहम मुद्दा नहीं, ज़्यादा काम की बात है? नहीं नहीं, काम की बात, धर्म का मुद्दा बिल्कुल नहीं, चाहे वो अपने वाले हो, चाहे हमारे परेशान भाई हो, कोई भी हो, काम करने वाले हो, नगर सेवक चाहिए। थोड़ा आगे आ जाओ, सड़क पतली थोड़ी, क्योंकि काम चल रहा है।
क्या कहना चाहेंगे आप कच्ची साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह के नगर सेवक लोक प्रतिनिधि आप पसंद करते हैं? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनकी सबों की बात से सहमत हूँ, जो काम करेंगे उसका ही काम चलेंगे और उसका ही काम होगा, और काम करने वाले नगर सेवक है परेशान भाई तो ठीक है, इनके पप्पा वगैरह इनसे भी हमारे संबंध है, जब से इनके काम करने वाली पीढ़ी चल रही है और परेशान भाई उसको लेके चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से संबंध रहे इसके, मतलब बिजनेस के प्लॉट के? नहीं नहीं या पॉलिटिकल के प्लॉट के कुछ नहीं, सामाजिक पर काम रहे और दोस्ताने के संबंध रहे। अच्छा, और कोई अपने बात पेश करना चाहता है कि भाई किस तरह के? जुबेर भाई आइए सामने आइए, तशरीफ लाइए, सबकी जरा राय पता चल जाए। अभी नहीं सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं आपसे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे, किसी नगर सेवक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ये बात ये कर रहे कि चुनाव आने वाले हैं महापालिका के, तो किस तरह का नेता आप नगर सेवक चुनना चाहेंगे, उसके अंदर क्या खासियतें होनी चाहिए, क्या कौन से गुण होने चाहिए उसके अंदर? जो सबका काम करे, सबका विकास करे, सबके लिए खड़े रहे, वो आदमी सबके लिए अच्छा है। अच्छा, और कुछ उसके और कुछ गुण धर्म उसके अंदर? धर्म तो यही देखा जाएगा ना, जैसे सबको समाज को साथ में लेके चले, सबका अच्छा काम करे, किसी की भी वक्त में काम में आए, मतलब जाति धर्म को भूलकर जो परेशानी मुसीबत में आधी रात को खड़ा हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है, नौजवान भी है, कुछ कौले बच्चे भी है जो शायद पहली बार अपना वोटिंग डालेंगे, तो बड़ों के तजुर्बे से ये नए बच्चे भी सीख रहे हैं, जो बड़ों ने उनको यहाँ पर अभी आज एक लेसन दिया है, वस्तुपाठ सिखाया है कि नगर सेवक किस तरह का होने चाहिए। और निश्चित ही हम सभी को चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को ही चुने, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, ऐसे व्यक्ति को ही चुने जो सभी को साथ में लेके चले, सभी का विकास करे, गली मोहल्ले में जो बुनियादी सुविधा है, जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, बिजली पानी अच्छे रास्ते, कुछ ऐड करना चाहते हैं? साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। और किसी की कोई तमन्ना ख्वाहिश? मलिक नगर में मौजूद है हम फिलहाल में, हमारे परशांग भाई जो है ये हमारे लिए आइडियल नगर सेवक है, हम इनको आइडियल नगर सेवक मानते हैं, ये परिपूर्ण है, ये रास्ते रोड बिजली हर चीज़ में, सफाई में, हर चीज़ में बहुत अच्छे से ध्यान देते, मतलब हमको हमारी कॉलोनी में बोलना नहीं पड़ता है कि भाई सफाई करो, रोड बनाओ, ये सब पहले से ही कर देते, हमारी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर देते हैं, और अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कॉलोनी में। अभी जो ये आपके बैक साइड में, मैं कैमरा पैन कर रहा हूँ, बैक साइड में देख रहे हैं हम कि नालियों का काम चल रहा है जी, और वैसे तो महापालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का जो पंचवर्षीय वो पूर्ण हो चुका है जी। कई जगह पर शहर में कई वार्डों में ये बहाना किया जा रहा है कि अभी तो महापालिका का कार्यकाल खत्म हो गया, हम लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ काम चल रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? यहाँ पे परशांत भाई की वजह से अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि ये कोई भी काम को पूरा ही करते हैं, अधूरा छोड़ते नहीं है, परमिशन मिले ना मिले इनका काम है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत से नगर सेवक बोलते हैं भाई परमिशन नहीं मिली, अभी थोड़ा पेंडिंग है, पैसा नहीं आया है, बहुत सारी कारण बताते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि निधि नहीं आया, अभी जो आपने मुद्दा उठाया निधि नहीं आया, परशांत भाई आपके पास कहाँ से निधि आ रहा है? हम मनो फंड से काम कर रहे हैं, हमारा निधि एक ही है, मनो फंड। परशांत भाई निधि, आपको मतलब कभी फंड की कमतरता नहीं आती क्या? ये आप शहर में देखा गया बहुत जगह पे काम पेंडिंग होते हुए आपके यहाँ पे पेंडिंग काम भी हो रहा है, रास्ते बन गए, अमृत योजना आ गई, गटार का भी काम चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है चारों दिशाओं में, क्या मतलब क्या वजह है इसके विकास से? सब हमको आमदार पालक मंत्री महानगर पालिका सब प्रशासन मदद करते, हमारे वार्ड में सब विकास काम हो गए, अभी हमको नामदार गिरीश बहु महाजन इन्होंने 2 करोड़ रुपये निधि दिए वार्ड में, वापस फिर से कांग्रेसीकरण होने वाला है हमारे पूरे वार्ड में, 2 कोटी का वापस फिर से कांग्रेसीकरण होने वाला है। ये रोड के ऊपर 4 इंची रोड लिए अपन ने, ट्री मैच के रास्ते होने वाले 4 इंच के, अभी शायद 15 या 20 दिन या महीने भर के अंदर यहाँ पे रोड चालू हो जाएंगे वापस। बहुत से लोग पूछ रहे थे हमसे भी कि वो प्रशांत नाइक में क्या जादू है कि वो शिवसेना के है, उबाठा ग्रुप के है, सत्ताधारी तो शिंदेगढ़ है, फिर भी आपको अड़चन क्यों नहीं आती है? हमको वार्डन इसलिए आती है कि हम निधि ना निधि में आपको अड़चन आती है ना विधि में आती है, क्या विषय क्या है? हम ऐसे वार्ड से चुन के आते हैं वहाँ पे सर्व धर्म समभाव के लोग हैं। अच्छा, यही गुण हम लेके चल के पक्ष में उधर जहाँ से लोग भेजते हैं, अपन ये आके गुण उधर आजमाते, पक्ष घर में रखते हैं, विकास काम के लिए हम कोई पक्ष बात नहीं करते। अभी हाल ही में देखा गया कि गणेश उत्सव हुआ काफी जोश खरोश के साथ हुआ,
उसके अगले ही दिन ईद मिलाद का भी प्रोग्राम हुआ। और मेरुन जो है सम्मिश्र बस्ती है, मुस्लिम बहुल इलाके भी है, हिंदू बहुल इलाके भी है, ये सब कुछ शांततामय ढंग से कैसे हुआ, क्या वजह रही, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही लोगों की? हमारा विषय ऐसा रहा, हमारा जो मेरुन बाग है, मेरुन तामापुर हमारा जो वार्ड है, वो सब हिंदू मुस्लिम भाइयों का उन गोविंदा से हम हमेशा चलते आ रहे हैं। हम जहाँ से पैदा हुए वहाँ से ये हमको देखने को मिला छोटे बचपन से, अभी मैं 43 साल का हुआ, हमारे तरफ आज तक कोई दाग लगे नहीं है। गणपति उत्सव या ईद मिलन का जो भी कार्यक्रम हुआ है, आज तक कोई झगड़ा आज तक हुआ नहीं है। मेरे पिताजी भी वही काम करते, वही काम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वसीम भाई और मेमन साहब, इसी विषय पे आपसे भी जानना चाहेंगे कि कल लगभग 5,000 से 10,000 लोगों की भीड़ जुलूस में थी, विसर्जन यात्रा में थी, फिर भी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार ढंग से दोनों ही त्यौहार हुए हिंदू मुस्लिम के। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों त्यौहार शांति से हुए और दोनों त्यौहार सुख शांति से हुए, और दोनों त्यौहार में एक दूसरे को, एक दूसरे धर्म वालों ने साथ साकार्य करके अच्छे से त्यौहार निभाए गए। हम भी यही दुआ करते हैं आगे भी ऐसे ही होते रहे और अच्छे से सुख समृद्धि से त्यौहार मनाते रहे दोनों समाज।